दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में, एक नए वीडियो टॉपिक के साथ में जिसका नाम है होल टाइम स्टडीज़। तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली होल टाइम स्टडीज़ होता क्या है, इसके पर्टिकुलर कंटेंट्स क्या क्या है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस डॉक्यूमेंट क्या क्या अवेलेबल है, वाई होल टाइम स्टडीज़, होल टाइम स्टडीज़ हमने क्यों करनी होती है, इंटरमीडिएट स्टेज आइडेंटिफिकेशन कि हमें स्टेज कौन सी आइडेंटिफाई करनी है जिस पे हमें होल टाइम स्टडीज़ करनी है, प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड यानी हमने क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं या क्या क्या इसके प्रीरिक्विजिट्स है, रिकमेंडेड टेस्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस। तो जो रिकमेंडेशन है गाइडलाइंस के हिसाब से कि कौन से टेस्ट किए जाने चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी पे किए जाने चाहिए, और लास्ट में रिवैलिडेशन कि इस पर्टिकुलर स्टडी का रिवैलिडेशन हमने कब करना होता है। तो ये जानते हैं एक एक करके। गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक ही ऑफिशियल गाइडेंस है, WHO TRS 992 एनेक्शर 4 का, जिसमें होल टाइम स्टडीज के बारे में बताया गया है, और इसका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। बाकी दूसरी गाइडलाइंस में इसके रेफरेंसेस जरूर दिए हैं, प्रोसेस वैलिडेशन के गाइडलाइन में रेफरेंस दिए हैं, फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के गाइडलाइन में रेफरेंस दिए हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर स्टडी में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये केवल इसी एक गाइडलाइंस में स्पेसिफाइड है। और ये भी केवल ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म्स के लिए हैं, बाकी डोसेज फॉर्म्स के लिए हमें अपने आप से रिस्क बेसिस पे इवेलुएट करना होता है और उसी के बेसिस पे हमने डिसाइड करना होता है। डेफिनेशन, तो होल टाइम क्या होता है? होल टाइम स्टडीज एस्टेब्लिशेस द टाइम लिमिट्स फॉर होल्डिंग द प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ क्वालिटी पैरामीटर्स। ये इसकी डेफिनेशन है होल टाइम स्टडीज की, कि होल टाइम स्टडी क्या होता है। अब होल टाइम स्टडी हम क्यों करते हैं? एक तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे भी आप प्रोसेस वैलिडेशन की कोई गाइडलाइन देखेंगे या बाकी की GMP की दूसरी गाइडलाइंस भी अवेलेबल है, उसमें भी ये स्पेसिफाइड है कि अगर आप प्रोडक्ट को अगर होल्ड करते हैं किसी भी स्टेज पे तो होल्ड टाइम स्टेब्लिश्ड और स्टडीड होना चाहिए कि किसी भी क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। देन टू डिटरमाइन द टाइम अप टू विच द प्रोडक्ट विल रिमेन स्टेबल विथ रेफरेंस टू क्वालिटी पैरामीटर्स। हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं होल्ड टाइम स्टडी में कि किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे हम उस पर्टिकुलर स्टेज पे उस मटेरियल को कितने टाइम तक हम होल्ड करके रख सकते हैं जिसमें आपके क्वालिटी पैरामीटर्स में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, और टू कंट्रोल द प्रोसेस विथ रेफरेंस टू होल्ड टाइम। और अगर हमें होल्ड टाइम अगर पता होगा, अपने प्रोडक्ट का अगर होल्ड टाइम पता होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ग्रेन्यूल्स की स्टेज पे इतना होल्ड टाइम है, कोटेड के स्टेज पे इतना है, इंटरमीडिएट स्टेज पे इतना है, तो उस हिसाब से हम वो लिमिट्स हम अपने BMR में और अपने एरिया में स्पेसिफाई कर सकेंगे कि इसके आगे हमें नहीं होल्ड करना है, क्योंकि अगर इसके आगे अगर हम होल्ड करते हैं तो हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स में कॉम्प्रोमाइज़ होता है और क्वालिटी पैरामीटर को नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होल्ड टाइम स्टडी करने का एक रीज़न ये भी होता है कि इंटेंशनली कभी भी हम कोई चीज़ होल्ड नहीं करते हैं। ये क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने ग्रैन्यूल्स बनाए हैं, ग्रैन्यूल्स बनाने के बाद में एनालिसिस के लिए वो ग्रैन्यूल्स गए और पता चला कि जिस इंस्ट्रूमेंट पे उस की एनालिसिस होनी है उसमें कोई ब्रेकडाउन आ गया या उसमें कोई मेजर मेंटेनेंस निकल गया जिसमें आपको 2 4 5 दिन का टाइम लगने वाला या 10 15 दिन का टाइम लगने वाला है, या सपोज आपका जिस कंप्रेशन मशीन पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंप्रेशन होना था उस कंप्रेशन मशीन में मेजर मेंटेनेंस निकल आया है जिसमें 15 20 दिन का टाइम लग रहा है। अगर हमारे पास में ये बैकअप स्टडी होती है तो हमें ये एश्योरेंस होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक के तो हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी क्वालिटी पैरामीटर हम होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर इसके आगे अगर हम होल्ड करेंगे तो देन हमें क्वालिटी पैरामीटर पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर पर्पज भी इसका होता है कि हमें होल्ड टाइम स्टडी डिटरमाइन करनी होती है। इंटरमीडिएट स्टेज आइडेंटिफिकेशन, तो ओरल सॉलिड्स में अगर हम इंटरमीडिएट स्टेज आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे जो कि WHO TRS में दिया हुआ है, तो वह है बाइंडर प्रिपरेशन, ग्रेन्यूल्स और ब्लेंड, कोर टैबलेट्स, कोटिंग सॉल्यूशन और कोटेड टैबलेट्स। तो ये इंटरमीडिएट स्टेजेस है जिसपे ये रिकमेंडेड है कि आपने होल टाइम स्टडी करनी चाहिए।
देन रिक्विजिट्स फॉर स्टडीज, इसकी क्या रिक्विजिट्स होनी चाहिए, यह है सेम टाइप ऑफ कंटेनर इंक्लोजर शेल बी यूज इन एज इन कमर्शियल स्टेज। तो अगर कमर्शियल स्टेज में मैं HDPE के ड्रम में डबल पॉली बैग में पैक करके रख रहा हूँ, तो मुझे इसमें भी होल टाइम स्टडी में भी उसी तरह रखना चाहिए। उतना ही बड़ा कंटेनर की पॉसिबिलिटी शायद हमेशा नहीं हो पाए, तो हम उससे छोटा कंटेनर भी प्रोपोर्शनेट साइज में रख सकते हैं, लेकिन उसका जो हेड स्पेस या एम्प्टी वॉल्यूम है उसको हम सिमुलेट करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और MOC ऑफ कंटेनर इंक्लोजर शेल बी सेम, जो उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं HDPE का कंटेनर डबल पॉली बैग में रख रहा हूँ, तो मुझे होल टाइम के लिए भी HDPE का कंटेनर और डबल पॉली बैग रखना होगा। अगर मैं डार्क कंडीशन में रख रहा हूँ, तो इसे भी डार्क कंडीशन में स्टोर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 30 डिग्री पे स्टोर कर रहा हूँ, तो उसे भी 30 डिग्री पे स्टोर करना पड़ेगा। जो कमर्शियल स्टोरेज कंडीशन एंड होल टाइम स्टोरेज कंडीशन शेल बी सेम। तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि जितने टेम्परेचर पे, जितने ह्यूमिडिटी पे हम कमर्शियल प्रोडक्ट को इंटेंड करते हैं स्टोर करने के लिए, तो उसी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे हमें होल टाइम स्टडी के लिए भी होल्ड करना होगा। इनफैक्ट अगर हम सेम एरिया में अगर होल्ड करते हैं जहाँ पे हमारा कमर्शियल प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो इट विल बी मोर सिमुलेशन। होल टाइम स्टडी टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन बैच। सो ये WHO TRS में रिकमेंडेड है कि अगर आप एक बैच पे होल टाइम स्टडी अगर करते हैं, सो इट इज़ सफिशियंट, इससे ज़्यादा पे रिक्वायर्ड नहीं है। और फिर अगर हम ज़्यादा पे करना भी चाहते हैं, तो देर इज़ नो बाउंडेशन, ज़्यादा पे आप कितने पे भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट एक ही बैच पे करने की है। देन टेस्ट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एनालिसिस। तो अलग अलग स्टेजेस पे हमें क्या क्या टेस्ट रिकमेंडेड है WHO TRS में, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज है बाइंडर प्रिपरेशन। बाइंडर प्रिपरेशन पे जब हमारा बाइंडर बन जाता है, तो उसका क्या क्या करना चाहिए, उसका हमने अपीयरेंस करना चाहिए, विस्कोसिटी करना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स करने चाहिए। इनिशियल 2 आवर्स, 5 आवर्स एंड 8 आवर्स, ये रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी है कि इस टाइम पॉइंट के बाद में हमें ये पैरामीटर्स करने चाहिए। और अगर स्टार्च पेस्ट पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्टार्च पेस्ट पे केवल 2 आवर्स और 5 आवर्स तक के ही अलाउड है। क्योंकि क्यों 2 और 5 आवर्स पे अलाउड है, क्योंकि स्टार्च जो है आपका प्रोन टू माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन है। सो ये पॉसिबिलिटी है कि स्टार्च पेस्ट को अगर हम ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखेंगे, तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन जनरेशन के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई 5 घंटे से ज़्यादा इसको रिकमेंडेड नहीं है होल्ड करना। देन ग्रैन्यूल्स और ब्लेंड। ग्रैन्यूल्स और ब्लेंड में हमें क्या क्या पैरामीटर्स करने चाहिए, एक तो डिस्क्रिप्शन है, लॉस ऑन ड्राइंग और वाटर जो आपके स्पेसिफिकेशन में रिकमेंडेड है, रिलेटेड सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्लेंड, एसे, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज और माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट। और ये सारे टेस्ट जो है हमने कब कब करने होते हैं, ये हमने इनिशियल स्टेज पे करने होते हैं, 15 डेज पे करने होते हैं, फिर 30 डेज पे करने होते हैं, और उसके बाद में फिर 45 डेज पे करने होते हैं। तो ये रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी है आपकी एनालिसिस की। देन नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं कोर टैबलेट्स। जो हम कंप्रेशन के बाद में जब टैबलेट हमारी जमा हो जाती है, तो उसको होल्ड करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेड टेस्ट है। तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन, हार्डनेस, थिकनेस, फ्रायबिलिटी, DT एंड DR, SA, रिलेटेड सब्सटेंसेस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट। और फ्रीक्वेंसी क्या है एनालिसिस की, इनिशियल करना है, 30 डेज पे करना है, 45 डेज पे करना है, 60 डेज पे करना है और 90 डेज पे करना है। तो ये आपके कोर टैबलेट के लिए फ्रीक्वेंसीज थी। देन कोटिंग सॉल्यूशंस और डिस्पर्शंस। जो कोटिंग के लिए सॉल्यूशन या डिस्पर्शंस हम बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेड है, फिजिकल अपियरेंस, वेट पर ML एंड विस्कोसिटी, सेडिमेंटेशन रेट, pH एंड माइक्रोबियल लिमिट। और फ्रीक्वेंसी क्या है एनालिसिस के, यह है इनिशियल, 15 डेज, 30 डेज एंड 45 डेज। देन लास्ट स्टेज है हमारी होल्ड टाइम की, वो है कोटेड टैबलेट्स। तो कोटेड टैबलेट्स में हमें क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन, हार्डनेस, थिकनेस एंड फ्रायबिलिटी, लॉस ऑन ड्राइंग एंड वाटर, DT एंड DR, SA, रिलेटेड सब्सटेंसेस एंड माइक्रोबियल लिमिट। और इसकी रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी क्या है एनालिसिस की, हमने इनिशियल एनालिसिस करनी है, 30 डेज के बाद में फिर एनालिसिस करनी है, 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज के बाद में हमें एनालिसिस करनी है।
तो ये आपकी रिकमेंडेड फ्रिक्वेंसी अलग अलग स्टेजेस पे और रिकमेंडेड टेस्ट जो कि WHO में आपके स्पेसिफाइड है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही सारे टेस्ट करें या प्रोडक्ट का आप इवेल्यूशन करते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि कुछ और भी पैरामीटर्स है जो होल्ड टाइम करने पे वो सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू होल्डिंग एट लॉन्ग टाइम, सो उन पैरामीटर्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये प्योरली आपके प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है तो हमें जो है बीच में कोई एकाध फ्रीक्वेंसी और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे LOD और डिस्पर्शन वगैरह के, DT वगैरह के पैरामीटर्स जो है वो इंक्लूड करें। और अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट है जैसे सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट है तो उसमें डिसोल्यूशन का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अपने प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या चीज़ आप उसमें फॉलो करते हैं और आपके प्रोडक्ट को क्या रिस्क है ज़्यादा, तो उसके बेसिस पे आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर करना है। और इससे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी फॉलो तो नहीं करनी है जिसमें, यानी कि आप जैसे इसमें इनिशियल 15 डेज दिया हुआ है तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो, 15 डेज तक स्टैंड ही नहीं करे, तो बीच में आप एक आध फ्रीक्वेंसी और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो वो टोटली आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। देन ये केवल ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म्स के लिए मैंने इसमें आपको बताया है जो कि गाइडलाइन में दिया हुआ है। अगर आपको अपने डिफरेंट डिफरेंट डोसेज फॉर्म पे करना है तो उन प्रोडक्ट्स का आपको रिस्क एवेल्यूएशन करना पड़ेगा पहले। जैसे कि इसमें सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म में भी हमने इंटरमीडिएट स्टेज आइडेंटिफाई की है, वैसे आपको स्टेज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम लिक्विड में करते हैं तो इनिशियली आपका बल्क सॉल्यूशन होगा और बल्क सॉल्यूशन के बाद में एक ही इसकी होल्ड टाइम की स्टेज होगी। अगर आपका शुगर प्रिपरेशन होता है और उसका होल्ड टाइम होता है तो एक शुगर प्रिपरेशन का होल्ड टाइम हो सकता है, देन बल्क सॉल्यूशन प्रिपरेशन और उसका होल्ड टाइम हो सकता है जो फिलिंग से पहले है। तो ये दो स्टेजेस आपके लिक्विड ओरल्स के लिए भी पॉसिबल है। अगर एक्सटर्नल प्रिपरेशन या ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स के लिए बात करेंगे तो उसमें भी आपके जो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस होते हैं, एक तो उनका हो सकता है, और जब क्रीम मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो उसको हम कितना टाइम होल्ड करके रख सकते हैं, एक उसकी स्टडी हो सकती है। तो इसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट के लिए रिस्क बेसिस पे इवेल्यूएट करके और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से स्टेजेस अवेलेबल है जिसमें हमने होल टाइम स्टडी करनी है, और डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ योर प्रोडक्ट आप इसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे हमें इसको एनालिसिस करना है। द टेस्ट एंड फ्रिक्वेंसी शोन इन द टेबल इज एज पर WHO गाइडलाइन, जैसे हमने पीछे बात की। सिमिलर रिस्क बेस्ड अप्रोच कैन बी यूज फॉर अदर डोसेज फॉर्म्स लाइक लिक्विड ओरल्स, एक्सटर्नल प्रिपरेशन एंड स्टरल प्रिपरेशन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। बैच इज कंसिडर्ड फॉर होल टाइम स्टडी शैल बी लोडेड फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज, तो जो बैच जिसमें हम होल टाइम स्टडीज करते हैं जिस भी बैच में, उसको हमने स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए कंसिडर करना चाहिए और उसमें इंक्यूबेट करना चाहिए एक्सलरेटेड एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज पे। देन कंक्लूशंस एंड रिकमेंडेशंस, तो होल टाइम स्टडी का जो बेसिक पर्पज होता है हमारा, कि हमने ये डिटरमाइन करना है कि अगर मैं इतने टाइम तक अगर होल्ड कर रहा हूँ तो इसमें कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो इसमें जब हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे एनालिसिस करते हैं तो जिस भी जगह पे, जैसे कि मैं 0 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज पे एनालिसिस कर रहा हूँ, और मुझे अगर 30 डेज के एनालिसिस पे या 45 डेज के एनालिसिस पे अगर ऐसा लगता है कि मेरे को जो एनालिसिस पैरामीटर है ये बता रहे हैं कि उसमें जो इनिशियल हमने पैरामीटर्स नोट किए थे और जो 45 डेज पे नोट किए हैं उसमें वेरिएशन है और वो हमारे क्वालिटी पैरामीटर को इम्पैक्ट करेगा, फिनिश प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करेगा, तो हमें फिर ये डिसाइड करना होता है कि 45 डेज पे मेरे क्वालिटी पैरामीटर्स मीट नहीं कर रहे तो मेरे ग्रैन्यूल्स केवल 30 डेज तक स्टेबल है, और उसके इंटरप्रिटेशन में भी सेम चीज़ मेंशन करनी होती है। ऐसे ही आपको कोटेड टैबलेट के लिए, बाइंडर के लिए और कोर टैबलेट्स के लिए भी डिराइव करना होता है कि हर स्टेज पे हमारे प्रोडक्ट का होल्ड टाइम स्टडी कितना है। और वैलिड होल्ड टाइम स्टडी जो है, हमने अगर हम BMR में मेंशन कर देते हैं तो हमारे प्रोसेस पे कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि जब भी हम बैच को प्रोसेस करते हैं तो BMR के थ्रू ही प्रोसेस करते हैं। अगर BMR में ये लिखा है कि हम ग्रैन्यूल्स को 30 डेज के ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं तो हमें वहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि इसको होल्ड कितना टाइम करते हुए होल्ड हो गया, तो हमें उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग में लेना है।
तो हमारे किसी भी बैचेस में डेविएशन नहीं होगा और प्रोसेस पे ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल रहेगा। इसको BMR में मेंशन करने के अलावा हम इसकी सेपरेट लिस्ट बना के ग्रैन्यूल्स की, कोर टैबलेट्स की, कोटेड टैबलेट्स की अलग अलग स्टोरेज एरियाज में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसको जो रेडी रेफरेंस के लिए हैं, जो यूज़र है उसके लिए, तो वो यूज़र फ्रेंडली भी हो सकता है उसे। देन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में आपको होल टाइम स्टडी की प्रोटोकॉल पहले बनाना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने ये सारी टेस्ट और ये सब डिस्कस किए हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको होल टाइम स्टडी का प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। सारे लोगों को जो भी होल टाइम स्टडी में इन्वॉल्व है उनको ट्रेन करना होगा इस स्टडी के लिए कि हमने इसमें पर्टिकुलर चीज़ में क्या क्या करना है, कौन से स्टेज पे सैंपल लेने हैं, सैंपल की क्वांटिटी कितनी होगी, क्या क्या टेस्ट हमने करने हैं। तो ये सारे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोडक्शन तीनों डिपार्टमेंट्स को ये अवेयर होना चाहिए। और एक बार ये एनालिसिस हो जाते हैं सारे सैंपल्स की, तो उसके रिजल्ट्स कंपाइल करके और समरी रिपोर्ट हमने बनानी होती है, और समरी रिपोर्ट को उसके साथ में हमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ स्टोरेज एरिया जहाँ पे हम होल टाइम स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने होल टाइम स्टडी के लिए कंटेनर रखा है और जिसमें से हम सैंपल ड्रॉ करते जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया की स्टोरेज कंडीशंस जो हमने रिकॉर्ड की है इस ड्यूरेशन में, उसकी कॉपीज जो है हमने इसके साथ में अपनी रिपोर्ट के साथ में इंक्लोज करनी चाहिए। अब बात करते हैं रिवैलिडेशन की, हमने ये पर्टिकुलर स्टडी को रिपीट कब करना है। तो रिवैलिडेशन का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमारी फॉर्मुलेशन में अगर कोई चेंज आता है कि मेरे प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन ही चेंज हो गया, तो हमने होल टाइम स्टडी को रिपीट करना चाहिए। चेंज इन प्रोसेस, अगर किसी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग में मेजर चेंजेस आ गए जिसके कारण पे आपके प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे हमें होल टाइम स्टडी करना चाहिए। और चेंज इन स्टोरेज कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट, अगर किसी भी रीज़न से अगर मेरे प्रोडक्ट की स्टोरेज कंडीशन चेंज होती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से या रेगुलेटरी रिकमेंडेशन की वजह से भी अगर स्टोरेज कंडीशन चेंज होती है, तो मुझे होल टाइम स्टडी फिर से परफॉर्म करनी होगी। दोस्तों, ये एक था छोटा सा डिस्कशन होल टाइम स्टडीज़ के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसके कंटेंट्स पसंद आए हैं तो आप और लोगों से भी शेयर करें और लाइक बटन प्रेस करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके, और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियो रिलीज़ होते टाइम पे ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।